साइंस और फन की बिल्कुल नई दुनिया में आपका स्वागत है। तो मनोरंजन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बहुत जबरदस्त मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हैं। तो आराम से बैठिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। नंबर वन, फ्लाईबोर्ड एयर। ये निजी आधुनिक उड़ने वाली मशीन इसलिए है ताकि मोटरसाइकिल, हवाबोर्ड और जेट पैक्स की जगह ले सके। फ्लाईबोर्ड देखने में भविष्य का व्हीकल लगता है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब लोग गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बजाय उड़ने वाली मशीनों का इस्तेमाल करेंगे। ट्राइक, ये एक अनोखा तीन पहियों वाला व्हीकल है जो स्कूटर की तरह दिखता है, मगर इसके बहुत बेहतरीन तकनीकी फायदे हैं। इसका हर मॉडल ट्राइक ट्रैक 3CV सिस्टम के साथ आता है, जो कि पैडल्स के बगैर सफर करने देता है और इससे जमीन को पैर भी नहीं लगाना पड़ता। इसको चलाना स्केट्स की तरह ही होता है। जैसे ही बंदा एक पैर से धकेलता है, फिर वो दूसरे पैर को हरकत देता है और इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। ये याद रखें कि ट्राइक पर सफर करने का मतलब है जैसे आप किसी जिम में हो। इसके अनोखे डिजाइन का शुक्रिया, क्योंकि तकरीबन सभी मसल्स ट्राइक ट्रिप के दौरान इस्तेमाल हो ही जाती है। ट्राइक को बनाने वालों ने बहुत से डिफरेंट मॉडल्स बनाए हैं, जिनका वजन 5 किलोग्राम से 13 किलोग्राम तक है। इसका फ्रेम ज्यादा चलने वाले एल्यूमिनियम से बना हुआ है और इसके ब्रेक सड़क पर बहुत ही अच्छी सुरक्षा देते हैं। ट्राइक माहौल के हिसाब से बहुत ही फ्रेंडली व्हीकल है, क्योंकि ये पेट्रोल के बजाय बिजली से चलती है। नंबर 3, डीप फ्लाइट। इस मशीन का नाम ही इसके बारे में बताता है। ये गहरे समंदर के सफर के लिए बनाई गई थी, ताकि पानी के अंदर सफर किया जा सके। ये ख्याल करना बहुत ही आसान है कि जब आप इसे बाहर से देखते हैं तो ये हवाई जहाज की तरह दिखती है। डीप फ्लाइट एक निजी सबमरीन होती है, पायलट की कॉकपिट के साथ और पैसेंजर जो पानी के अंदर के नजारे का आनंद लेने देती है। पहला मॉडल सुपर फैल्कन, जो काफी बड़ा है। इसकी लंबाई 5.9 मीटर, चौड़ाई 2.7 मीटर और ऊंचाई 1.6 मीटर है। ये 100 मीटर की गहराई तक जा सकती है और 250 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती है। नंबर 4, पोर्च 996 हवरबोर्ड। बेल एंड बेल स्टूडियो, जो बार्सिलोना स्पेन में है, एक हवरबोर्ड पर काम कर रहा है जो पोर्च 996 मॉडल पर आधारित है। ये कंपनी गैर मामूली चीजों का इस्तेमाल करते हुए व्हीकल्स बनाती है। पोर्च 996 हवरबोर्ड एक अनोखा व्हीकल है, जो कि पूरी तरह हाथों से बनाई गई है। इसकी बनावट के लिए असली गाड़ी को इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोजेक्ट से पहले बेल एंड बेल कंपनी फर्नीचर और कई तरह के सोफे कार्स की शक्ल में बनाती थी। नंबर 5, निसान ब्लेड ग्लाइडर। ये गैर मामूली व्हीकल 2013 में पहली बार दिखाई गई थी। तब से निसान कंपनी इसे लगातार बेहतर किए जा रही है। जून 2017 में ब्लेड ग्लाइडर के एक प्रोटोटाइप यानी मॉडल ने गुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड में हिस्सा लिया था। ये फ्रेंडली व्हीकल के साथ साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस वाली बात भी रखती है।